तो आज की हमारी वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन, मतलब कि फॉर्मूला। जैसे एक्सेल पहले से बने बनाए बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, आपको इसी तरह का फॉर्मूला अगर बनाना हुआ तो क्या करेंगे? ओके, तो चलिए कैसे फंक्शन फॉर्मूला बनता है उसको एक बार देख लेते हैं। तो डेवलपर में जाते हैं, विजुअल बेसिक, और फॉर्मूला जब भी आप बनाइएगा एक मॉड्यूल्स में बनाइएगा, राइट। और जैसे हम मैक्रो के लिए सब लिखते हैं तो यहां पे हम लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन, और फंक्शन की जगह पे हम देंगे यहां पे नाम, जो भी फॉर्मूला का नेम होता है। जैसे आप कर देते हैं फाइन, यहां पे कर देते हैं काउंट सी, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ब्रैकेट ओपन, फॉर्मूला का इनपुट। अब इनपुट क्या होता है? अब जैसे कि आप वी लुकअप लगाते हैं तो ए में आप इनपुट देते हैं ना, ए इनपुट के आपके फॉर्मूला में कितने इनपुट होंगे और क्या क्या इनपुट होंगे। तो जैसे कि हमने बोल दिया कि यहाँ पे एक एस एज ए स्ट्रिंग, एक पहला स्ट्रिंग होगा, समझे, और दूसरा सी एज ए ऑल्सो स्ट्रिंग, दूसरा काउंट के लिए स्ट्रिंग होगा। तो अब मैं फंक्शन किसके लिए बना रहा हूं? मैं बना रहा हूं कि मेरे पास इसमें बहुत सारे इस तरह के लेटर हैं, एक पर्टिकुलर लेटर को काउंट करना चाहता हूं कि कितना बड़ा आया है। बस काउंट, इसी में काउंट करना चाहता हूं कि इसमें बी कितना बार है। अच्छा, मैं यहां पे सी टी काउंट एलईडी ले लिया, इसको सेलेक्ट किया, एंड कॉमा, हमने बोला कि हमें बी को काउंट करना है, बी सेलेक्ट कर। रिजल्ट आपके सामने है, जो रिजल्ट किया ही नहीं। तो फॉर्मूला में हमने फॉर्मूला जो फंक्शन किया, नाम दिया, और यहां पे हमने किया डिफाइन किया इनपुट, मतलब कितने एस एज ए स्ट्रिंग की आपको कहां से ढूंढना है और उसमें किसको काउंट करना है, राइट। बात आती है कि इस फॉर्मूले का रिटर्न टाइप क्या होगा, मतलब कि ये रिटर्न क्या करेगा। तो ये रिटर्न करेगा इंटीजर, एज ए इंटीजर। ये जो पार्ट हुआ इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, कि आपने फॉर्मूला को डिक्लेयर किया। फॉर्मूला के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, डिक्लेरेशन, कैलकुलेशन एंड असाइनमेंट, असाइनमेंट, ठीक है ना, रिजल्ट असाइन या असाइनमेंट बोल सकते हैं। तो पहला पार्ट कैलकुलेशन, हमने फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। तो अभी क्या है कि ए वन पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी इस एस के ऊपर, और यहां जो हमने बी दिया है ए बी असाइन हो जाएगा इसके ऊपर। तो हमें इसको मानना है टेक्स्ट, इसको मानना है क्या ढूंढना है, क्लियर है। यहां पे मैं फॉर्मूला लगाता हूं कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू लेन, और लेन में क्या दे दिया हमने एस, जितना करेक्टर एस का है उतना बार चलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहां कंडीशन होगा कि इफ मिड, मिड में हमने एस को ले लिया और हमने बोल दिया आई से एक लेटर, हमने एक एक लेटर को अलग किया है, इज इक्वल टू सी, एंड अब यहां एक काउंटर डिफाइन करना होगा कि डिम, जिसपे रिजल्ट सेव होगा आर एज ए इंटीजर, और यहां पे हम आर इक्वल टू आर प्लस वन, और यहां पे एंड कर। तो हमने कैलकुलेशन कर लिया, अब पूरा जो भी रिजल्ट है वो आर पे स्टोर हो रहा है, किस पे स्टोर हो रहा है, आर पे, आर पे। लेकिन यहां रिजल्ट तो नहीं आया, यहां पे कोई रिजल्ट नहीं आया अभी तक, कोई रिजल्ट तो नहीं आया, क्यों? क्योंकि रिजल्ट असाइन होगा इसके थ्रू, ये भी एक तरह का वेरिएबल ही है। तो हमें यहां पे आर से वैल्यू लेके इसकी इसको देना पड़ेगा। तो यहां पे सी एल
इक्वल टू आर, ठीक है। तो ये हो गया असाइनमेंट। तो तीन पार्ट है, पहली है कैलकुलेशन, दूसरा है आपका सॉरी पहली डिक्लेरेशन, दूसरा है कैलकुलेशन और तीसरा है असाइनमेंट। अब यहां रिजल्ट आपके सामने होगा कि बी जो है दो बार है। पर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, क्या मतलब इसको ये फर्स्ट टाइम है तो मुझे लिखने का तरीका थोड़ा समझ में नहीं आया, और दूसरा ये है कि जैसे मैं इस फॉर्मूला के थ्रू काउंट ही करना चाह रही हूँ, ये इसको मैंने कैसे समझाया, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट हुआ कि मुझे इसमें से काउंट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है कि हमारे पास इनपुट क्या क्या है। तो मेरे पास इनपुट है कि भाई टेक्स्ट के अंदर जाना है, टेक्स्ट है मेरे पास, और हमें बी सी जो भी हमें डिफाइन करना है उसको इनवर्ट में हम लिखेंगे। तो डिक्लेरेशन में आपको सब्जेक्ट फंक्शन लिखना है, और सब हम आपको जब बनाते तो ब्रैकेट ओपन क्लोज करके छोड़ देते हैं ना, इसके अंदर ब्रैकेट में आपको इनपुट देने है कि इस फॉर्मूले को दो इनपुट मिलेंगे, पहला स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग। पहला होगा जो कि जिस टेक्स्ट के अंदर, और दूसरा जो फाइंड करना है जो टेक्स्ट फाइंड करना है, लेटर फाइंड करना है। उसके बाद हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन लिखेंगे। मुझे क्या, मैंने क्या किया, एक एक लेटर को अलग किया इस तरह से। मिड फार्मूला क्या कर रहा है कि मिड इसको सिलेक्ट किया comma 1, comma 1, इसने एक बी को अलग किया, फिर वापस हमने दिया मिड इसको सिलेक्ट किए comma 2, comma 1, comma आ गया, फिर वापस वापस इक्वल मिड और इसको हमने सिलेक्ट किया 3, comma 1। तो ये लूप में कर रहा हूं मैं, आई पहले एक करके दूसरे दो दूसरे तीन, और फिर एक एक करके चेक कर रहा हूं कि क्या ये बी है। अगर बी है तो एक रिजल्ट एक लेटर होल्ड कर दे रहा हूं, तो मैं अगर बी है तो आर पे एक प्लस कर दो। तो जितने नंबर प्लस होंगे उतने बी है, फाइनल रिजल्ट आर पे है। फिर बाहर हमने फॉर्मूले को आर रिजल्ट वापस कर दिए और ये यहाँ पे शो हो गया। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे नेम है। अब वी लुकअप लगाते हैं, हालांकि ये वीवीए प्रोग्रामिंग अब तो इसमें क्या बोलते हैं ऑफिस 365 में यूजफुल नहीं है, बट हम लोग 2007, 2013, 2016 तक इसको काफी यूज करते थे। वी लुकअप का काम है कि वो सिर्फ जो है वर्टिकल, मतलब कि हाँ अपने सामने की तरफ के वैल्यू को प्रेजेंट करेगा, राइट साइड का उसके पीछे का जो वैल्यू उसको प्रेजेंट करेगा, लेकिन एक ही वैल्यू को देगा। मतलब कि जैसे कि आप मान लीजिए हमने पूजा को लुकअप किया, वी लुकअप किया, तो ये सिर्फ आपका पूजा का ही देगा, पूजा का, और पहले ही पूजा का देगा। अगर पूजा दो या तीन बार है तो उसको नहीं दिखाएगा, फिर उसमें अलग से काउंट वो लगाना नहीं, मुझे एक ही सेल में चाहिए कि 70, फिर यहाँ पे आ गया पूजा का 61, अच्छा 46। वो तो वीडियो का लिस्टिंग वाला पार्ट इस तरह से चाहिए कॉमा करके। तो चलिए इसके लिए फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे फंक्शन, फंक्शन में नेम देते हैं ऑल लुकअप, भी नाम दे सकते हैं। अब इनपुट की बात आती है, इनपुट में हमारे पास एक रेंज है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक सेल का रेंज नहीं है ना, हमें एक रेंज में देखना है। यहाँ पे तो हमने एक स्ट्रिंग ले लिया था, क्योंकि एक वन बाय वन देखना है, एक सेल के अंदर काम करना है, यहाँ एक रेंज के अंदर काम करना है। जैसे रहता है फॉर्मूला में एडी टाइप में टेबल एडिटेबल, हां तो मैंने यहां पे लिख दिया आर एज अ रेंज, कि पहले आप रेंज को सिलेक्ट करो और फिर मैच एम यानी वी लुकअप की तरह कर देता हूं मैं, वी एज ए यहां पे कर देता हूं मैं वेरिएंट। अब यहां पे वेरिएंट क्यों लिया मैंने, क्योंकि लुकअप कोई भी वैल्यू हो सकता है, वी लुकअप में जरूर तो नाम टेक्स्ट ही होगा, कुछ भी हो सकता है। आर एज ए रेंज, एक रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अब दूसरा कौन सा कॉलम,
जैसे कॉलम नेम देते हैं फिर सी आगे एज ए इंटीजर मिल गया, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला डिफाइन हो गया। मतलब कि जब मैं फॉर्मूला डिफाइन करने के बाद उसको लगा के देख लीजिए एक बार, ठीक है, और लुकअप, हमने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया और इसमें पूरा कॉल पूरा रेंज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं अपना डेटा से पहला रेंज जिसमें मैच करना है, और फिर यहां पे मुझे पहला कॉलम चाहिए 0 and 1 पहला कॉलम चाहिए, एक कॉलम बात करें डेटा चाहिए। अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, मैं इस तरह से लगा रहा हूं, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। यहां पे हम करते हैं कि dim r as a string। अब यहां पे स्ट्रिंग क्यों किया, क्योंकि मेरा रिजल्ट कॉमा लग के आएगा तो वो स्ट्रिंग होगा। अच्छा, यहां पे कि 4 यहां पे ये हो गया। अब दूसरा बार यहां पे एक सर एक क्वेश्चन है, ऊपर वाला में जैसे हम लोगों ने ब्रैकेट क्लोज करने के बाद और एक इनपुट दिया कि वो एज अ इंटीजर रिजल्ट आएगा, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं दिया, मतलब वो वेरिएंट हो गया। यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ पे देना ही जरूरी नहीं है, देखिए तो कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या था, स्ट्रिंग था, तो कन्वर्टिंग का चांसेस ही नहीं है ना, जिसका रिजल्ट नंबर में आने वाला है, डेट में आने वाला है, उसका भी लिख दीजिए, और नहीं भी लिखिएगा तो डिफॉल्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है, डिफॉल्ट वेरिएंट ही ले लेगा, मतलब कोई भी रिजल्ट है ले लेगा, वेरिएंट ही ले लेगा डिफॉल्ट। और फिर मैंने यहां पे किया dim r n एज ए रेंज, क्योंकि मुझे यहां पे एक एक सेल को चेक करना है, मैं यहां पे विंडो फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, एक एक सेल को चेक करना है हमें, तो हम यहां पे फोर इच का लूप लगाएंगे, फोर इच आर एन इन आर आर एन, और फिर कंडीशन देना है कि इफ आर एन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वी देन आर ई इक्वल टू आर ई के साथ हमने कंबाइन कर दिया कॉमा, और फिर बस हमने बोला आर एन डॉट ऑफसेट, रो वही रहेगा कॉलम सी होगा जो हम डालेंगे डॉट वैल्यू, ओके। उसके बाद आप सिंपल से यहां ए लुकअप इक्वल टू आर टी, एक बार डबल क्लिक करके इसको एंटर मारता हूं तो यहां पे ओके सॉरी माफ, अच्छा यहां पे एंड क्लिक नहीं किया, बट इसमें देख रहे आगे कॉमा लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, क्योंकि मैंने यहां कॉमा को पहली बार तो आगे ब्लैंक है ना हमारा, तो इसलिए कॉमा लगा रहा है, कॉमा से स्टार्ट कर रहा है। यहां पे आप क्या करेंगे, फॉर्मूला राइट वाला फॉर्मूला जो इसने यूज किए थे, हाँ इसमें देंगे लेन आर ई माइनस वन, रिजल्ट आ गया। ऐसे छोटे छोटे मैक्रो लगा सकते हैं, जैसे कि एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपके पास कोई नंबर है तो यहां पे हम इज इसमें इवन, इज इवन का नंबर देते हैं, तो एक हमारे पास इज ऑड है ना सर, नंबर तो दो तरह के होते हैं ना, तीन तरह के होते हैं, इवन इवन प्राइम, प्राइम नंबर नहीं समझ में आ रहा है,
स्कूल भी बंद है, वरना जा कहते हैं कि स्कूल जाके देख लीजिए थोड़ा सा। किरण जी एक्चुअली सर मैं बंगाली पढ़ी हूँ तो मुझे ये मतलब समझ में नहीं आया है। प्राइम होता है उसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, ऐसा संख्या जो खुद से या वन से विभाजित हो। अच्छा विच नंबर डिवाइडेड बाय सेल्फ एंड वन इज द प्राइम नंबर, विच नंबर हैज डिवाइडेड ओनली वन एंड सेल्फ दैट कॉल प्राइम नंबर। जैसे कि आपका थ्री, जैसे कि सेवन, जैसे कि अलेवन, जैसे कि थर्टीन, जैसे कि ट्वेंटी थ्री। थर्टी वन, सेवेंटीन, नाइनटीन, ऐसे नंबर है प्राइम जो कि वन से डिवाइड होगा या खुद से ही डिवाइड होगा। मान लीजिए मुझे ऐसा इज प्राइम का मुझे करना है, तो मैंने यहां पे दिया फंक्शन, फंक्शन बोल दिया इज पी आर आई एम ई और हमने बोल दिया एन एज ए लॉन्ग और यहां पे एज ए बुलियन क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट चाहिए। फिर यहां पे कहते हैं कि डिम आर एज ए बुलियन नहीं यहां पे आर एज ए कर देता हूं मैं डबल लगाऊंगा कि फोर आई इक्वल टू चले टू से चले या फिर एन माइनस वन से वन दो से लेके मतलब कि एक से डिवाइड हो ही जाएगा और खुद के नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो दो से और खुद के नंबर से एक पहले के नंबर तक से सबको डिवाइड करना है ठीक है। और यहां पे हम करते हैं नेक्स्ट यहां पे सिंपल सा कोड देना है कि इफ मोड एंड मोड आई इक्वल टू जीरो दैट इज प्राइम। अब एक ही बार रिजल्ट दे रहा है ना इसलिए हमने यहां पे कर दिया फॉल्स और यहां पे एंड इफ और एंड इफ के साथ साथ हमें यहां पे देना है एग्जिट। यहाँ पे एग्जिट फंक्शन क्यों दिए जैसे मान लीजिए पहली बार दो से डिवाइड होकर रिजल्ट जीरो आ गया मतलब दस दो से डिवाइड हुआ मोड जीरो आ गया तो हमें तीन चार पांच करने की क्या जरूरत है हमने ये प्राइम रिजल्ट आउट किया और फंक्शन को क्लोज कर दिया समझे नहीं समझ में आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन था कि बीच में हम लोगों ने मोड यूज किया मोड मोड का यूज था सेसफल निकालना जैसे कि मान लीजिए मैं 14 को 5 से डिवाइड करूंगा तो या क्या 10 तो यहां पे इसके बाद डेसिमल लगेगा इसको बोलते हैं सेसफल रिमाइंडर रिमाइंडर या रिमाइंडर कुछ बोलते हैं तो मोड यही निकालता है। अगर यहां पे जीरो आया जैसे मान लीजिए कि 15 होगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे रिमाइंडर जीरो आएगा ना तो अगर ये जीरो दे दिया तो प्राइम को फॉल्स कर दो रिजल्ट दे दो और फंक्शन क्लोज कर दो ये प्राइम नंबर नहीं है समझ गए। अगर ऐसा नहीं हुआ लास्ट में अगर फंक्शन यहां पे क्लोज नहीं हुआ तो यहां पे क्लोज होगा यहां से क्लोज हुआ इसका मतलब है कि नंबर प्राइम है प्राइम इक्वल टू ट्रू समझ गए। तो यहां पे अब मैं लगाता हूं फॉर्मूला इज प्राइम का और इसको सिलेक्ट करता हूं रिजल्ट आपके सामने दे दिया तो टू फॉर वन प्राइम होता है
एक मिनट में, टू प्राइम कैसे हो गए? दो भी तो दो से डिवाइडेड होगा और एक से होगा, सबको से टू ही दे रहा है। आर देने की जरूरत नहीं है, फोर आई टू से चले एन माइनस वन, यहां पे एक सिंपल सा देना होगा कि अब थ्री तो प्राइम है ही, फोर प्राइम नहीं है, इसमें एक सिंपल सा एक देना पड़ेगा कि इफ, यहां पे कंडीशन कि इफ एन इज लेस देन इक्वल टू टू क्योंकि अगर एक है या दो है तो प्राइम है ही ना वो। हाँ, दो भी तो एक से डिवाइड होगा या तो खुद से। हाँ, तो अब यहाँ पे आपको मैं अगर वन लिखता हूँ तो ट्रू आएगा, थ्री तो भी प्राइम है ना। हाँ, सॉरी, फोर फोर प्राइम नहीं है। ऐसे यहाँ पे करने की इफ लगाने की जरूरत नहीं, सही है, सही है, टू भी तो प्राइम ही है ना, इसमें इफ लगाने की जरूरत नहीं है, सही है, सही आ रहा है रिजल्ट, सही है, पहले जो किए थे वही सही था। हाँ सही है, यहाँ पे वन भी तो प्राइम है और टू भी प्राइम है और थ्री भी प्राइम है, फोर प्राइम नहीं है, फाइव प्राइम भी है, सिक्स प्राइम नहीं है, सिक्स प्राइम है से नहीं है, सॉरी नहीं है, वो तो थ्री से भी होगा, तो ये हमारा फंक्शन था। अब आप इसको अच्छे तरीके से अपने हिसाब से कीजिए और मुझे ऐसे ही पांच फंक्शन बना के भेजिए। ठीक है सर, मैं पूरा ट्राई करती हूँ। और सर मेरा और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन था आपसे पूछने का कि हम लोग जैसे वेरिएबल डेटा टाइप डिफाइन करते हैं ना, आर एस स्ट्रिंग, आर एस डबल, मैं जैसे आर एस डेसिमल करने जा रही थी वो भी तो एक डेटा टाइप है, पर मेरे आ ही नहीं रहा था, टेक्स्ट में डेसिमल नहीं लेता, नहीं मतलब वो डेटा टाइप ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, पर डेटा टाइप में तो वो चीज है, ये में है बट एक्सेल में नहीं है, वो बाकी सॉफ्टवेयर में होता है जैसे कि आउटलुक एक्सेस में आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और एक तो सर कि हम मेरा मैसेज बॉक्स यूज कर रही थी उसमें बहुत सारा ऑप्शन आता है प्रॉम्प्ट के बाद, और लिस्ट बॉक्स के एडवांस में पढ़ाया नहीं है, वो हम आपको पढ़ाएंगे फंक्शन के बाद के टॉपिक है, यूजर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ। ओके बाय।